दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ट्रेडर लर्निंग। ट्रेडर लर्निंग के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हर कोई बाजार में कम कीमत का शेयर खरीदकर अच्छा रिटर्न पाना चाहता है, लेकिन कम कीमत वाले शेयर यानी पैनी स्टॉक खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। शेयर में मैनिपुलेशन होती है क्योंकि इस शेयर में लिक्विडिटी कम होती है, तो इसमें बड़े निवेशक आसानी से हेरा फेरी कर सकते हैं। कम कीमत वाले शेयर को बाजार में ऑपरेटर ज़्यादा संख्या में खरीद लेते हैं और जब शेयर ऊपर जाने लगता है तो उसे बेच देते हैं, और जब शेयर ऊपर जाने लगता है तो आम निवेशक इसे खरीदना शुरू करते हैं, तब ऑपरेटर बेच देते हैं। ऐसे में आम निवेशक फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। पैनी स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और भविष्य में उनके मुनाफे के बारे में जानें, उनके बैकग्राउंड और मैनेजमेंट के बारे में जानें। पैनी स्टॉक में अपनी सारी पूंजी नहीं लगाएं, उतना ही पैसा लगाएं जितना कि डूबने पर आप सहन कर सकें। अगर आपने कोई पैनी स्टॉक लिया है, अगर उसमें मुनाफा हो रहा है तो उसे बेचकर आपको निकल लेना चाहिए, लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। किसी स्टॉक के फेक न्यूज पर ज़्यादा ध्यान ना दें, खुद अपनी रिसर्च करें और स्टॉक में निवेश करें। दोस्तों अगर आपका कोई पसंदीदा स्टॉक है और उसमें आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और अगर आप हमसे जुड़कर इसी तरह नई नई प्रतिदिन जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रेडर लर्निंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट करना और इसी तरह अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना। अंत में फिर कहना चाहूँगा, सीखते रहिए कुछ नया और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।